तो दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं तीन कंस्ट्रक्टर वर्कर्स को जो कि कुछ सोच रहे होते हैं। तभी हमें पीछे से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है जो उनसे कहता है कि अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ। उसके ये कहने पर एक वर्कर उस दीवार को तोड़ देता है और उसे तोड़ते वक्त कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो एकदम से डर जाता है और अपने दोनों वर्कर से मदद मांगता है, लेकिन दोनों वर्कर वहां से डर के भाग जाते हैं और वो दीवार तोड़ने वाला वर्कर भी किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागता है। और अगले सीन में हम एक नर्स लेडी को देखते हैं और वही पर्सन जो स्टार्टिंग में आया था वो दिखता है। उसका नाम डॉक्टर फ्रांसिस्को होता है। यहाँ पर नर्स जिसका नाम विल्मा होता है वो उसे कहती है कि तुम्हें उस दीवार को नहीं तोड़ना चाहिए। डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम इस तरह की कहानियों पर भरोसा करना बंद करो, तुम हमारे हॉस्पिटल की सबसे पुरानी सदस्य हो, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन इतना जान लो कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। तभी हमें वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड दिखता है जहाँ पर मैलिग्नो लिखा हुआ देखने को मिलता है। और अब सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमें एक लेडी देखने को मिलती है जिनका नाम डॉक्टर सोफिया होता है और वो अपनी बेटी का वेट कर रही होती है। जैसे ही वहाँ उनकी बेटी लुसियाना आती है वो उसको बताती है कि तुम्हारा खाना फ्रिज में है, जाकर खा लो और मेरे आने से पहले वापस आ जाया करो। लुसियाना उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती और उससे बहस करने लगती है और फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल चली जाती है। फिर हम डॉक्टर सोफिया और डॉक्टर फ्रांसिस्को को एक साथ देखते हैं। फिर हमें एक और पेशेंट देखने को मिलता है जिसका नाम इवान होता है। डॉक्टर सोफिया उससे कहती है कि आप ठीक हो चुके हो, अब आप घर जा सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट कहता है कि मुझे यही ज्यादा अच्छा लगता है, घर पर मेरा कोई नहीं है। फिर हमें एक और पेशेंट देखने को मिलता है और वो उसी दीवार की ओर जा रहा होता है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वही नर्स विल्मा उसकी आंखें बंद करके उसको वहाँ से ले जाती है। इसके अगले सीन में हम लुसियाना को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रही होती है और तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड एंड्रिस आ जाता है और उन दोनों के बीच रोमांस होता है। फिर डॉक्टर सोफिया अपने कैबिन में काम कर रही होती है और तभी डॉक्टर फ्रांसिस्को आ जाते हैं। डॉक्टर फ्रांसिस्को उससे कहते हैं कि आज सुबह जो हुआ वो तो आपको पता ही होगा, तो आज स्टाफ बहुत कम है, तो इसीलिए आप आज ओवरनाइट शिफ्ट कर लेना और आपको ओवरटाइम पे किया जाएगा। डॉक्टर सोफिया इसके लिए हाँ बोल देती हैं। दूसरी तरफ एंड्रिस और लुसियाना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी डॉक्टर सोफिया का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं कल सुबह ही आ पाऊंगी। ये पढ़ के लुसियाना पार्टी में जाने का प्लान करती है और फिर हम एक और पेशेंट को देखते हैं और ये पेशेंट भी उसी दीवार की तरफ जा रहा होता है और फिर विल्मा आकर उसे वहां से ले जाती है और फिर एक बच्चा जो कि व्हीलचेयर पर होता है वो वहां जा रहा होता है। तभी डॉक्टर सोफिया वहां जाती हैं और उसे अपने साथ लेकर रूम में चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि विल्मा और डॉक्टर फ्रांसिस्को में बहस होने लगती है। उन दोनों में ये बात होती है कि ये सब उस दीवार को तोड़ने की वजह से हो रहा है। विल्मा कहती है कि 30 साल पहले जो हुआ था आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और कृपया करके आप दूसरों की जान को खतरे में मत डालिए, वो खुल चुका है और अब उसको फिर से कैद करना ही होगा। डॉक्टर ये सब सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहां से घर जाने को कहते हैं और विल्मा उसको वार्निंग देती है कि अगर आपको उसकी सीटी की आवाज सुनाई दे तो चाहे कुछ भी हो आप उसकी आंखों में मत देखना। ये कहकर विल्मा वहां से चली जाती है। अब हम एंड्रिस और लुसियाना को देखते हैं जो कि पार्टी से घर जाने लगते हैं, जहाँ एंड्रिस की पार्टी में लड़ाई हो जाती है क्योंकि कुछ लड़के लुसियाना को छेड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से एक लड़का आके एंड्रिस के सर पर जोर से मुक्का मारता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एंड्रिस हॉस्पिटल आ जाता है और उसके पीछे पीछे लुसियाना भी हॉस्पिटल आती है। लुसियाना की माँ उसको वहीं बैठने को बोलती है और एंड्रिस को वहां से लेकर रूम में चली जाती है और उसकी ड्रेसिंग करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुसियाना हॉल में बैठी है और उसको एक आवाज आती है और वो उस आवाज की ओर खींची चली जाती है और उस हॉल में अपना मुंह डाल देती है। और फिर हम देखते हैं कि एक हाथ आता है और लुसियाना के फेस को पकड़ लेता है और लुसियाना पर उस शैतान का कब्जा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमें वही पेशेंट देखने को मिलता है जो बीमार होने का नाटक कर रहा होता है। उसका नाम इवान होता है और अब हम देखते हैं कि इवान एक जगह जाता है जहां वो हर पेशेंट के कैबिन के पर्दे को हटाता है और ऐसे ही उसको एक पेशेंट मिलता है, वो भी पूरा ब्लैक सूखा हुआ। इवान बहुत डर जाता है और तभी वहां डॉक्टर फ्रांसिस्को आ जाते हैं और उसको बाहर भेजते हैं। इवान बहुत डरा हुआ होता है और बाहर बैठा होता है। तभी वहां डॉक्टर सोफिया आ जाती हैं और डॉक्टर फ्रांसिस्को डॉक्टर सोफिया के सामने एक बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि इसका अंदरूनी अंग खत्म हो चुका है, कल हम इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो दोस्तों असल में होता यह है कि अगर कोई भी उस शैतान की आंखों में देख लेता है तो वो उसकी बॉडी की सोल को खा जाता है और उसकी बॉडी को एकदम खोखला बना देता है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर सोफिया एंड्रिस के पास जाती हैं और उससे बात करती हैं और कहती हैं कि लुसियाना मेरा कॉल नहीं उठा रही है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। एंड्रिस उनसे कहता है कि आप मुझे मेरा फोन दो, मैं उससे बात करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर फ्रांसिस्को उस पेशेंट को एग्जामिन कर रहे होते हैं
और जब वो पीछे मुड़के देखते हैं तो बॉडी उठकर बैठ जाती है। फिर जब वो मुड़ते हैं तो वो फिर से लेटी हुई होती है। इसी बीच वो व्हीलचेयर वाला लड़का आता है और फिर डॉक्टर फ्रांसिस को उसको वहां से लेकर चले जाते हैं। और फिर हम इवान को देखते हैं जो डर के भाग रहा होता है, और लुसियाना जो शैतान के कब्जे में होती है वो हर एक पेशेंट की आंखों में देखकर उसको खा जाती है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर उस व्हीलचेयर वाले लड़के को लुसियाना दिखती है और वो उसे देखकर एकदम डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन आखिर में लुसियाना उसकी आंखों में देख लेती है और वो वहीं मर जाता है। उधर डॉक्टर फ्रांसिस्को उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते वहां आते हैं और उसकी लाश को देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इवान एंड्रिस के पास जाता है और कहता है कि वो लड़की शैतान के कब्जे में है, चाहे कुछ भी हो उसकी आंखों में मत देखना। एंड्रिस कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। डॉक्टर सोफिया उस बच्चे की लाश देखती है और एकदम शॉक हो जाती है। और दोस्तों उधर लुसियाना एक एक करके बहुत से नर्सेस और पेशेंट्स को मार देती है। डॉक्टर फ्रांसिस्को सबको हॉस्पिटल से निकालने की बात करते हैं, तभी इवान डॉक्टर फ्रांसिस्को के पास आता है और उन्हें बताता है कि मलिग्नो को शिकार मिल गया है, उसको डॉक्टर सोफिया की लड़की का शरीर मिल गया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एंड्रिस को लुसियाना दिखती है और वो उसके पास जाता है, तभी उससे इवान चिल्लाता हुआ कहता है कि उसकी आंखों में मत देखना, और एंड्रिस अपने सर को दूसरी ओर घुमा लेता है। पर लुसियाना बहुत तेज चीखती है और उसके सर को अपनी ओर कर लेती है और एंड्रिस की सोल को खा जाती है और उसकी बॉडी को खोखला करके छोड़ देती है, और इस तरह एंड्रिस भी मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर फ्रांसिस्को वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुसियाना उनको पकड़ लेती है और उनकी सोल को भी खा जाती है। और तभी भागते हुए सोफिया और इवान आते हैं और लुसियाना उन्हें देखकर उस होल के अंदर चली जाती है। अब यहाँ इवान और सोफिया बचते हैं। सोफिया अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकती थी और इवान कहता है कि मैं आपको इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता, और वो विल्मा को बुलाते हैं और विल्मा अपने साथ एक तांत्रिक लेकर आती है। विल्मा उन्हें बताती है कि मलिग्नो इस जंगल का सबसे ताकतवर जीव है, कुछ तांत्रिकों ने उसे इतने साल कैद रखा था। तभी सोफिया उससे पूछती है कि अगर वो जंगल में रहता है तो यहाँ क्या कर रहा है। तो विल्मा उसे बताती है कि दरअसल कुछ तांत्रिकों ने उसे हराया था, लेकिन उसे काफी चोट आई थी तो उसे हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन वो अकेले नहीं आया था। तभी वो तांत्रिक बोलता है कि मलिग्नो को कभी मारा नहीं जा सकता और उसके पास एक डार्क साइड की ताकत है। फिर हम देखते हैं कि वो तांत्रिक एक लकड़ी से बना हुआ मास्क पहनता है और बाकी सबको रेत देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मलिग्नो देखने को मिले तो इस रेत को अपने चारों ओर फेंक देना। फिर हम देखते हैं कि मलिग्नो सोफिया के पास आता है और तभी हमें ये पता चलता है कि सोफिया के पास वो रेत नहीं होती, लेकिन इवान के पास वो रेत होती है। और इवान दौड़ता हुआ सोफिया के पास आ जाता है और उससे कहता है कि अपनी बेटी को बचाइए, और फिर मलिग्नो इवान की सोल को खा जाती है। और अब मलिग्नो सोफिया की ओर बढ़ रहा होता है, तभी पीछे से विल्मा आ जाती है और उसके मुंह पर कपड़ा बांध देती है और उसके हाथ पैर बांध देती है। अब हम सोफिया, विल्मा और तांत्रिक को देखते हैं जो लुसियाना को कैसे बचाएं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तांत्रिक बोलता है कि जब मेरे पिता ने इस मलिग्नो को रोकने की कोशिश की थी तो उन्होंने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसके चक्कर में बहुत कुछ हुआ था। फिर हम देखते हैं कि तांत्रिक कहता है कि सिर्फ एक ही इंसान लुसियाना की आत्मा को वापस ला सकता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सोफिया है। फिर तांत्रिक उसे एक स्कार्फ देता है और वो उसे अपनी आंखों पर बांध देती है। फिर सोफिया अंदर डार्क वर्ल्ड में जाती है और उसे वहां सभी के सोल देखने को मिलते हैं, और फिर उसे लुसियाना की आत्मा भी मिल जाती है और वो लुसियाना की आत्मा को बाहर लेकर आती है। लुसियाना की आत्मा अपने शरीर में वापस चली जाती है और उधर सोफिया के अंदर मलिग्नो आ जाता है और वो तांत्रिक वो वुडन मास्क पहन लेता है और अपनी जान जोखिम में डालकर सोफिया को बचा लेता है, मानो एक तरह से वो अपना बलिदान दे देता है। अब वहां पर सिर्फ सोफिया, विल्मा और लुसियाना बचे होते हैं और तभी विल्मा उनसे बोलती है कि तुम दोनों यहां से चली जाओ, मैं इस होल को भर दूंगी। और दोस्तों सोफिया और लुसियाना वहां से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी ओर विल्मा लैंटर्न्स को बुझा रही होती है और फिर उस दीवार से आवाजें आने लगती हैं और विल्मा उस दीवार की ओर जाने लगती है। और फिर दोस्तों इस मूवी का यही एंड हो जाता है। आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे अनेकों मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।